यहूदी विद्रोहियों का भारत से टकराना उन्हें काफी भारी पड़ने वाला है। अरब सागर में जो हुआ उसके बाद अब भारतीय नौसेना और चौकन्नी हो चुकी है। 23 दिसंबर को भारत आ रहे एमवी कैंप प्लूटो पर ड्रोन हमला हुआ था। इस जहाज में कुल 20 भारतीय क्रू मेंबर्स भी मौजूद थे। और अब इस पूरी घटना पर भारतीय नौसेना ने भी एक बयान जारी कर दिया है। भारतीय नौसेना ने कहा है, 23 दिसंबर को अरब सागर में हुई समुद्री घटना पर भारतीय नौसेना ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। पोरबंदर के लगभग 220 NM दक्षिण पश्चिम में पारगमन कर रहा लाइबेरिया का ध्वजांकित MV कैंप प्लूटो कथित तौर पर ड्रोन द्वारा मारा गया था। भारतीय नौसेना MPA ने MV-1315H को भेजा, चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। INS मोरमुगाव 1930 आस पर कार्रवाई स्थल पर पहुंचा, MV के साथ संचार स्थापित किया। CGS विक्रम ने MV को मुंबई की ओर ले जाने का निर्देश दिया। भारतीय नौसेना ने यह भी कहा कि भारतीय समुद्री एजेंसियों के साथ वो समन्वय कर रही है और जहाज को सभी सहायता प्रदान की जाएगी। MV कैंप प्लूटो पर हमला गुजरात के वेरावल से 200 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में किया गया था। हमले के बाद जहाज में आग लग गई थी, हालांकि समय रहते आग को बुझा दिया गया था। ये जहाज सऊदी अरब के एक बंदरगाह से भारत के मैंगलोर आ रहा था, लेकिन जैसा कि अब भारतीय नौसेना ने जानकारी दी है कि MV को मुंबई की ओर ले जाने का निर्देश दिया गया है और इस जहाज को सभी तरह की सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं देखा जाए तो हमास का समर्थन कर रहे हूती विद्रोही लगातार कमर्शियल शिप्स को निशाना बना रहे हैं और ड्रोन हमले कर रहे हैं। इससे पहले भी वो इजराइल, अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों के जहाजों पर ड्रोन हमले कर चुके हैं। हालांकि फ्रांस और अमेरिका लगातार इन हूतियों को अपने अंदाज में जवाब भी दे रहे हैं। खैर, अब भारत से पंगा लेना इन हूती विद्रोहियों को काफी भारी पड़ने वाला है। उन्होंने अपने लिए एक मुसीबत और खड़ी कर ली है। खैर, इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।